नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। बड़ा आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए आ गया दोस्तों, और यहाँ पर बजट की बड़ी कमी थी दोस्तों। चार महीने होने के बाद एक एक महीने के अतिथि शिक्षकों का मानदेय डला है, और इसी को लेकर बजट की मांग की गई थी। और यहाँ पर आदेश आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल दिनांक 9/3/2023 क्रमांक IT सेल / अतिथि शिक्षक बजट 2022-23 859 आवंटन आदेश। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आमंत्रित अतिथि शिक्षक के मानदेय भुगतान हेतु निम्न अनुसार राशि आवंटित की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक नगर, भिंड छतरपुर और यहाँ पर समस्त जिलों के लिए ADDO कोड, और यहाँ पर आप राशि देख सकते हैं कितनी राशि जारी हुई है कौन से जिले के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जिलों के लिए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए आवंटन आ चुका है। बहुत परेशानी हो रही थी मानदेय को लेकर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप विदिशा बासोदा के लिए आप देख सकते हैं 34,79,900। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, और एक बड़ा बजट यहाँ पर आया है दोस्तों अतिथि शिक्षकों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दों में ₹31,92,42,320 मात्र। उपरोक्त आवंटन बजट शीर 27/20/02/0201/0701/0101 एवं 0102 मद में उपलब्ध आवंटन से अंतरित किया जाएगा। राशि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के DDO कोड में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त अतिथि शिक्षक के लंबित मानदेय का भुगतान भी योजना क्रमांक 0701 के विभिन्न सेगमेंट कोड में उपलब्ध राशि से आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त राशि का उपयोग निम्न शर्तों के अधीन किया जाएगा। वंटित राशि अतिथि शिक्षक के फरवरी 2023 तक के मानदेय हेतु जारी की जा रही है। संचालनालय के निर्देश क्रमांक IT अतिथि शिक्षक 2022-23 320 दिनांक 13/7/2022 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मानदेय भुगतान किया जाए। समस्त आहरण संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अतिथि शिक्षक फरवरी माह तक के मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। भुगतान लंबित होने की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। योजना क्रमांक 0701 के विभिन्न सेगमेंट कोड में उपलब्ध आवंटन से राशि का आहरण न होने की स्थिति में राशि को तत्काल समर्पित किया जाए। संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार आहरण किया जाना सुनिश्चित हो। नियम विरुद्ध भुगतान अथवा आवंटन लैप्स होने की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। व्यय की गई राशि का उपयोग प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आयुक्त द्वारा स्वीकृत हुई है संजय कुमार, अपर संचालक वित्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 9/3/2023। आज की ऑफिशियल तारीख है दोस्तों, बजट नहीं है, और ये बजट मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए है, समस्त विकास खंड के लिए है, और हर एक अतिथि शिक्षक का फरवरी तक का मानदेय तुरंत दिया जाए ऐसा आदेश में लिखा है। अगर कोई BO या बाबू आपसे मानदेय नहीं दे रहा है तो इस आदेश को आप बता सकते हैं। और टोटल यहां पर आवंटन हो चुका है। बड़ी अपडेट अतिथि शिक्षकों के लिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, पैसे के लिए दोस्तों काफी कमी थी और बहुत परेशान था। इसको लेकर मांग कर रहे थे कई अतिथि शिक्षकों ने, बट बन एड बन पर भी शिकायत की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी तक का मानदेय, यानी अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द फरवरी तक का मानदेय उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। और अगर किसी संकुल में बिल भी नहीं लगे हुए हैं तो मुझको आप कमेंट्स करें और बाबू से बात करें के हमारे बिल फरवरी तक के क्यों नहीं लगाए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों बताइए कौन कौन से संकुल में कौन कौन से अतिथि शिक्षक को कितने महीने का मानदेय रुका हुआ है। तो दोस्तों फरवरी तक का बजट है, आप इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को ये खबर जा रही है, लोक शिक्षण संचालनालय का बड़ा आदेश। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।